हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो अभी जस्ट मैं उठी और अभी मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है और बस थोड़ी देर में मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज पोटैटो सैंडविच एंड ये बन रहा है मेरा मिल्क। सो नाउ यम्मी सैंडविच इज इन माय टमी। आई मीन मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और आज तो सुबह सुबह ही ग्रैंडपा के साथ बहुत ही सारी बातें कर ली। चलिए तो अब मैं हो जाती हूँ रेडी। सो नाउ आई एम रेडी एंड मैंने बेड को भी डिक्लटर कर लिया है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडीज। सो मैं जा रही हूँ नीचे स्टडी करने। बाय द वे, मैंने अब इस बैग में जो मैं बुक्स यहाँ पर पढ़ने के लिए लेके आती हूँ वो इसमें रखना कर लिया है। फिर जब ऑनलाइन क्लासेस होता है तो मैं वो सब नीचे लेके जाती हूँ तो फिर हाथ में बहुत सारा हो जाता है ना, तो अब मैं इसमें लेके जाती हूँ। एंड यस, मिलते हैं डायरेक्टली लंच के टाइम पर। सो अभी हो गया है लंच का टाइम एंड मेरे ऑनलाइन क्लासेस ओवर हो गए हैं। तो लंच में आज है खिचड़ी, चटनी और होममेड बटर मिल्क। तो मैं कर लेती हूँ अपना लंच। नाउ आई एम गोइंग टू मेक क्वेश्चन बैंक फॉर रिविजन ऑफ एग्जाम्स। अब इसमें ना मे बी थोड़ा टाइम, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही टाइम चला जाएगा। आई मीन आज की पूरी आफ्टरनून इसमें जा सकती है, बट मम्मा से दैट इट्स वर्थ डूइंग दैट। ये मुझे पता चलेगा एग्जाम के फाइनल रिविजन के वक्त कि मुझे बहुत काम आएगा। सो लेट्स सी, पहले मैं बना लेती हूँ। सो ये है मेरे सारे पेपर्स। तो अभी ना मैं उस तरह से क्वेश्चन बैंक बनाने वाली हूँ जिस तरह से मम्मा ने मुझे कहा है। तो बस आज की पूरी आफ्टरनून ना मुझे लगता है इसी में जाएगी। तो डायरेक्टली मुझे तो लगता है कि ऐसा होगा कि शायद डिनर के टाइम तक ये फिनिश हो जाएगा, या तो फिर डिनर के टाइम बाद भी मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है, पता नहीं, देखते हैं। और यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि मैं इतना फास्ट फास्ट लिख रही हूँ, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं, मुझे सच में इतनी ज़्यादा देर लगी थी ना। और हम ऐसे एक साथ इतना सारा लिखते हैं ना तो हाथ भी थक जाता है। सो देखिए, मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए सारे पास्ट पेपर्स के, मतलब जो 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 मेरे पास थे उन सब के। और मैंने ना ये जैसे कि अप्रैल 2015 है तो जो जो ईयर के है ना वो मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि मुझे जब फटाफट रीड करना हो तो पता चले। सो अभी मैंने सारे 3 मार्क वाले क्वेश्चंस लिख लिए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। और मैंने इसमें जैसे कि मैंने लिखा जनवरी 2021, तो वो सब चीज़ों को हाईलाइट किया है और जो जो ईयर्स के पेपर्स हैं, ईयर्स एंड मंथ्स का, बिकॉज मुझे जब पढ़ूंगी ना मैं तो पता चले कि हाँ, इससे फिर दूसरा पेपर स्टार्ट होता है। सो आई हैव रिटन ऑल द 4 मार्क्स क्वेश्चंस। मेरे पास जितने सारे पास के पेपर्स थे उसमें से मैंने लिख लिए 4 मार्क्स क्वेश्चंस। और इस बार मैंने यूज़ की है ग्रीन कलर की हाईलाइटर हाईलाइट करने के लिए। वैसे आपको ये ब्लॉग बहुत ही छोटा लग रहा होगा बट एक्चुअली लिखने में इतना सारा टाइम चला गया और वो आपको तो यहाँ पे फास्ट मोशन में देखने को मिलता है, तो मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारा टाइम यूज़ हुआ। तो ये देखिए, ये मैंने सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखे हैं एंड इस बार फ्लोरोसेंट कलर की हाईलाइटर यूज़ की है। अभी बस मुझे 6 मार्क्स के क्वेश्चन सारे हैं ना वो लिखने रहे हैं और बस क्वेश्चन लिखना फिनिश हो जाएगा। सो ये सारे 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं ना वो भी मैंने लिख लिए एंड इसके साथ ही मेरा पेपर हो जाता है और आई मीन क्वेश्चन लिखना और हो जाता है। तो फाइनली मैंने जैसा कि आपको दिखाया, मैंने सारे ये जो क्वेश्चन बैंक्स हैं ना वो लिखना कंप्लीट कर दिया है रिविजन के लिए। और फाइनली वो क्वेश्चन वाला तो हो गया, बट ये टेक्निक ना मैं लाइक फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि सपोज कहाँ गया, हाँ ये पेपर है, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स। तो मैं पहले क्या करती थी कि लाइक वो टॉपिक है ना रिटेलर्स का, तो उसकी बाजू में जस्ट लिख लेती थी कि इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कुछ और टाइप से पूछा जाता है तो वैसे लिख लेती थी। बट ये मॉम की जो मैजिक ट्रिक है ना वो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो अब देखते हैं इसका किस तरह से रिजल्ट आता है, पहली वाली टेक्निक से अच्छा आता है या फिर उसके जितना ही आता है। और एक्चुअली अभी ना मेरा हाथ बहुत ही थक गया है बिकॉज पहले सारे 3 मार्क के, फिर 4, 5 और 6 मार्क के इस तरह से क्वेश्चंस लिखे, तो कंटिन्यूअसली मैंने सोचा लिख ही लेती हूँ। पूरी आफ्टरनून मेरी इसमें जाएगी वो तो मुझे पता ही था बिकॉज बहुत सारा लिखना था। अरे हाँ, मैंने आपको ना एक चीज़ नहीं बताई है, वो है हमारी पेपर पैटर्न। तो मैं आपको वो बता देती हूँ, आप मुझे ये बता सकते हैं कि लाइक आपको जिस तरह से रिविजन ट्रिक्स ट्राई करता है कि जनरल ऐसे रिविजन करता है वैसे ही कर लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से है हमारे पेपर पैटर्न और इसमें 1 मार्क के 10 क्वेश्चन है, 3 मार्क के 5 क्वेश्चन है, लाइकवाइज दैट, और टोटल 30 क्वेश्चन है, तो मतलब टोटल 100 मार्क्स है। एंड इसमें ना सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, हमें कोई क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो इस टाइप की है कुछ पेपर पैटर्न। एक्चुअली एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, वेरी फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग,
कि मुझे ना इतना सब कुछ लिखने का वर्क नहीं करना था, बट ये तो मम्मा ने मुझे कहा कि इसका तुम्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा, तो मैंने सोचा अभी वो मेहनत कर लेते हैं, फिर फल जब मिलेगा तब देख लेंगे। फिलहाल अभी तो मुझे लगी है भूख, कुछ खा लेते हैं। और वैसे भी डिनर का टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ नीचे। तो आज डिनर में ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें हाँ मैं मंगवाई वही है, बोलने तो जा रही तुम्हें क्या थी। क्या चाहिए? मंचूरियन भी है, पफ भी है, पानी पूरी है, तो पहले क्या मुझे तुम टेस्ट मंचूरियन करना है? चाहिए थोड़ा सा, फिर पफ तो इतना मुझे पसंद नहीं है, और थोड़ी ट्राई मैं करो, पूरी ये अच्छा खाऊंगी, है। तो इतना कट करके मुझे आप दे सकते हैं। ओके चलो, इतना पॉप चलेगा? भाई इतना चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है मेरा डिनर, और बस अभी बहुत थक गई थी तो सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। आज तो मैं सोच रही हूँ बिजनेस स्टडी कंटिन्यू नहीं करना है, वो तो मैं कल से करने वाली हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर ब्रश करके सो जाऊंगी। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।